रिगार्डिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। हम में से ज़्यादातर लोग अपने गार्डन्स में बोगनवेलिया जरूर लगाते हैं। बोगनवेलिया से जुड़ी हुई सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि हमारे बोगनवेलिया में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती है, फ्लावरिंग अगर होती भी है तो बहुत जल्दी फ्लावर्स झड़ जाते हैं, या पहली बार जब हम नर्सरी से लाए थे तब तो उसमें खूब फ्लावर्स थे, बाद में हमारे यहाँ आने के बाद उसमें फ्लावरिंग नहीं। तो आप ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको आजमाएं ताकि आपके बोगनवेलिया प्लांट में फ्लावरिंग होती है? तो चलिए आज इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे कि अगर आपके बोगनवेलिया में प्रॉपर फ्लावरिंग नहीं होती है तो उसके क्या कारण है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके किसी फ्लावरिंग प्लांट में फूल नहीं आ रहे होते हैं तो आपको जनरली ये सलाह दी जाती है कि आप उसमें कोई हाई नाइट्रोजन और फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र यूज़ करें, उसकी वाटरिंग नीड्स का ध्यान दें, उसकी प्रूनिंग प्रॉपर करें, तब उसमें फ्लावरिंग आने लगेगी। परंतु बोगनवेलिया के प्लांट के साथ ऐसा नहीं है। बोगनवेलिया का प्लांट थोड़ा अलग तरह से हैंडल किया जाता है। हालांकि कहने को ये बहुत ही इजी टू ग्रो और मेंटेन प्लांट है, परंतु अगर आपको बोगनवेलिया में अच्छे ब्लूम चाहिए, प्रॉपर ब्लूम चाहिए, या आपके बोगनवेलिया में फ्लावर्स आते हैं, जल्दी झड़ जाते हैं या थोड़े दिनों के तक ही टिके रहते हैं, तो आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और उनमें से सबसे पहली बातें ये है कि नंबर वन पे आपको चेक करना है कि कहीं आप अपने प्लांट में ओवर वाटरिंग तो नहीं कर रहे हैं। बोगनवेलिया का प्लांट एक हार्डी प्लांट है और इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही जैसे आपके कैक्टसेस और सक्यूलेंट को ज़रूरत नहीं है। आपका बोगनवेलिया जो है उन कंडीशंस में रहने का आदी है जहाँ पर वाटर कम होता है, और आप इसमें पानी तभी दें जब इसकी टॉप 2 इंचेस की जो सॉयल है वो ड्राई हो चुकी हो और टच करने में ड्राई फील हो रही हो। और उसके अलावा अगर आपने ज़्यादा पानी दिया तो ये प्लांट में रूट रॉट को और इनकरेज करेगा और ब्लूम को डिस्करेज करेगा। दूसरी चीज़ सबसे ध्यान देने की है कि आप अपने प्लांट की कहीं ओवर फीडिंग तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये पाते हैं कि आपके जो बोगनवेलिया हैं उनमें बहुत सारी ग्रीन लीव्स हैं और प्लांट देखने में पहली नज़र में बहुत ही हेल्दी लगता है और सीज़न में उसमें खूब हरी हरी पत्तियां भर जाती हैं पर फूल नहीं आते हैं, तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न होगा वो होगा कि आप इसमें सबसे पहले तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं। लाइक अदर प्लांट्स, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन जो होती है वो बोगनवेलिया में फोलिएज की लीव्स की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, परंतु उसकी कीमत जो है वो बड्स को और चुकानी पड़ती है। और अगर आपको हेल्दी ब्लूम्स चाहिए और बहुत सारा फोकस आपको फ्लावरिंग पे करना है तो आप इसमें कोई भी फॉस्फेट या पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइज़र उसमें ऐड करें, और नाइट्रोजन तब ऐड करें जब उसकी लीव्स स्लाइटली लेस ग्रीन देन यूजुअल दिख रही हों, तभी आप उसमें कोई हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज़ करें। या आपका प्लांट अगर छोटा है और उसमें आप ग्रोथ चाहते हैं तो आप उसमें हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र करें ऐड। मेरा मानना ये है कि अगर हमारा प्लांट छोटा है और हमें लगता है कि एक सर्टेन लिमिट तक हमें उसे बढ़ाना है, उसे बॉन्जाई का की तरह या पॉट में छोटे साइज़ में नहीं रखना है और हम उसको एक क्लाइंबर की तरह बनाना चाहते हैं, तो इनिशियल लेवल पे हमें फ्लावरिंग पे ध्यान न दे करके उसकी ग्रोथ पे ध्यान देना होगा। तब हम ऐसे में कोई हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे ताकि हमारे प्लांट की ग्रोथ जल्दी हो और अच्छी हो, सो दैट कि उसमें आगे चल के वो एक जिस एरिया को हम पे हम उसको क्लाइंब कराना चाहते हैं उस एरिया को कवर कर ले। उसके बाद हमें अपने प्लांट में हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज़ करना बंद कर देना चाहिए। अपने प्लांट को सीज़न में एक बार थोड़ा सा पोटाश और या फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र हल्की सी मात्रा में आप दें, और क्योंकि आपका प्लांट अगर आपने पॉट में लगाया है, बड़े पॉट में लगाया है, तो ऊपर डाला हुआ फर्टिलाइज़र उस तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं होता है, तो ऐसे में आप अपने फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट कर लें वाटर में और उस वाटर को पूरा का पूरा उस पॉट में डाल दें, सो दैट कि रूट्स तक, नीचे तक, अंदर तक आपका जो फर्टिलाइज़र है वो पहुंचे। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि बोगनवेलिया के प्लांट में आपको साल में एक बार ही फर्टिलाइज़र देना है, और वो कब देना है, जब
बोगनवेलिया की फ्लावरिंग का सीजन स्टार्ट होने वाला हो उससे एक महीना पहले, जाड़ों में डॉर्मेंसी का जो सीज़न होता है उसके ख़त्म हो जाने के बाद, तब आपको इसमें कोई ऐसा फर्टिलाइज़र देना है जो नाइट्रोजन जिसमें लेस हो या कम तादाद में हो, और तब आपके सीज़न में इसमें अच्छे फ्लावर्स आएंगे, देर तक टिकेंगे और बने रहेंगे। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो रीपॉटिंग से रिलेटेड है। बोगनवेलिया का जो प्लांट है वो हालांकि कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा निग्लेक्शन में थ्राइव करता है, और इसमें मगर जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि लगभग बोगनवेलिया के प्लांट को हर दूसरे या तीसरे साल आपको रिपॉट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ काफ़ी तेज़ होती है और ये बहुत जल्दी रूट बाउंड हो जाता है। इसलिए लैंडस्केप्स में जो बोगनवेलिया लगे होते हैं, जिन्हें अगर आपने ज़मीन में लगाया होता है, फ्रीक्वेंट ब्लूम्स आती हैं, मगर जो आपने पॉट में बोगनवेलिया लगाए रहते हैं वो एक आध साल के बाद उनमें फ्लावरिंग कम होने लगती है। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि बोगनवेलिया को अगर आपके पास ज़मीन में जगह है तो आप अपनी क्यारियों में, अपने गार्डन में लगाएं और ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। मगर अगर आपके पास जगह नहीं है या आप अपने रूफ़ टॉप पे, क्योंकि रोज़ पानी न डालना पड़े इसके लिए बोगनवेलिया लगाते हैं, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, या तो आप इनको काफ़ी बड़े पॉट्स में लगाएं जिससे कि इनकी जल्दी जल्दी आपको रिपॉटिंग ना करनी पड़े। दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपने इन्हें छोटे पॉट में लगाया हुआ है तो आपको हर अल्टरनेट ईयर इनकी रिपॉटिंग करनी ही पड़ेगी, और तभी इनमें आप इनकी जो फ्लावरिंग है वो बनी रह सकती है। अगली जो समस्या आती है वो है आपके प्लांट को प्रॉपर सनलाइट ना मिलना। आपको ये देखना होगा कि कहीं आपने अपने बोगनवेलिया को ऐसे प्लेस पे तो नहीं लगा रखा है जहां उसको प्रॉपर 6 से 8 घंटे की सनलाइट नहीं मिलती है, क्योंकि बोगनवेलिया एक हार्डी प्लांट है और इसको बहुत ज़्यादा सन की ज़रूरत है फ्लावरिंग के लिए। इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने जहाँ इसको रखा है वहाँ प्रॉपर सनलाइट हो और सूरज लगभग 6 से 8 घंटे का मिलता हो। मेरे हिसाब से इसके लिए आपको साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बोगनवेलिया के प्लांट को प्लांट करने के लिए अच्छी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा देर तक सन की जो लाइट्स हैं वो इन एरियाज़ में बनी रहती हैं, और आपका जो प्लांट है अगर इन डायरेक्शंस में लगा हुआ है तो उसमें प्रॉपर ब्लूमिंग होती है। दूसरी बात ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने की है कि अगर आपने ज़मीन में या क्यारियों में बोगनवेलिया को लगाया है तो वो प्लांट आगे बढ़ कर के सन तक पहुँचने के रास्ते खोज लेगा, मगर अगर आपने इसको पॉट में लगाया है तो फिर ये समस्या आती है कि अगर उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी तो उसमें फ्लावरिंग उतनी क्वांटिटी में नहीं होगी जितनी क्वांटिटी में जनरली बोगनवेलिया में फ्लावरिंग होती है। एक जो और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो बात है प्रूनिंग की। बोगनवेलिया के प्लांट को टाइम टू टाइम हर सीज़न के पहले प्रूनिंग की ज़रूरत होती है। सीज़न के पहले तो आपको प्रूनिंग करनी है, इसके अलावा बीच बीच में भी कुछ एक्स्ट्रा ब्रांचेज या कुछ बहुत ज़्यादा वीक ब्रांचेज अगर आपके बोगनवेलिया में आ रही हो तो उनको आपको प्रून करना होगा, इससे आपके बोगनवेलिया प्लांट में फ्लावरिंग बढ़ेगी। पर ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की है कि अगर आपने कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग कर दी तो वो सीज़न आपके बोगनवेलिया में फ्लावरिंग पर असर पड़ेगा और आपके प्लांट में फ्लावरिंग कम होगी। तो इसलिए बोगनवेलिया को प्रूनिंग की तो ज़रूरत है, मगर प्रूनिंग जो है वो लाइट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने हार्ड प्रूनिंग कर दी तो फिर आपका प्लांट उस सीज़न में, पर्टिकुलर सीज़न में जिसमें आपने प्रूनिंग की है, उस सीज़न में उसकी फ्लावरिंग पे इसका असर पड़ेगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि बोगनवेलिया के प्लांट को प्रून तो करें मगर बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग ना करें, हल्की फुल्की प्रूनिंग करें। कुछ ऐसी ब्रांचेस आप जिनको उस डायरेक्शन में नहीं चाहते हों या बहुत ज़्यादा पतली और लगी हों तो आप उनको प्रून कर सकते हैं, परंतु बोगनवेलिया की मोटी मजबूत ब्रांचों को प्रूनिंग करने से बचें। अपने तरीके से ये प्लांट अपने ढंग से ग्रो करता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक हो जाता है इस प्लांट के लिए प्रूनिंग करना। इसलिए इसको आप, अगर आपने ज़मीन में लगाया है तब तो आप इसको नेचुरली ग्रो होने दें और सिर्फ उन ब्रांचेस को हटाएं जो ब्रांचेस आपको डिस्टर्ब करती हों या रास्ते में आती हों और आपकी एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करती हों।
अदरवाइज इसको जिस तरह ये बढ़ रहा है उस डायरेक्शन में इसको नेचुरली ग्रो होने दें, इसको नेचुरली बढ़ने दें। पॉट्स में भी अगर आपने इनको काफ़ी बड़े पॉट्स में लगाया है तो आप इनको फ्रीली ग्रो होने दे सकते हैं, और आप चाहें तो इनको एक डायरेक्शन में ले जा करके बांध करके और एक सर्टेन डायरेक्शन में क्लाइम होने के लिए दे सकते हैं, बाकी दूसरी साइड में आने वाली ब्रांचेस को हटा सकते हैं। और अगर आपने इनको झाड़ी के शेप का और बुश के शेप का बनाना है तो फिर आप इनको प्रॉपर उसमें अपने ढंग से ग्रो होने दें, बहुत ज़्यादा काट छाँट ना करें। आजकल बोगनविलिया की बहुत सारी ऐसी हाइब्रिड वैरायटीज़ अवेलेबल हैं जो छोटी ही होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, तो आप अगर पॉट में लगाना चाहते हैं और छोटे पॉट में लगाना चाहते हैं तो आप जा कर के नर्सरीज में इनकी छोटी वेराइटीज़ आएँ जो कि बहुत ज़्यादा जिनकी ग्रोथ नहीं होती है और अच्छी फ्लावरिंग उनमें होती है, उन वेराइटीज़ को यूज़ करके आप इनको छोटे पॉट में भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने इनकी जो नॉर्मल वेराइटीज़ बड़ी वेराइटीज़ या हैवी ब्लूम वाली वेराइटीज़ ली हैं तो उनको आप, अच्छा तो ये होगा कि आप उनको ज़मीन में लगाएं, और ज़मीन में ना लगाएं तो भी काफ़ी बड़े इस तरह के काफ़ी बड़े पॉट्स का चयन करें सो दैट कि इनको ग्रो होने का फ्रीडम रहे, क्योंकि बोगनवेलिया एक ऐसा प्लांट है जितना ज़्यादा ये नेचुरली ग्रो होगा उतना ज़्यादा ये इसमें हैवी फ्लावरिंग होगी। अगर आपको अपने बोगनवेलिया में अच्छी ग्रोथ चाहिए और आप चाहते हैं कि ये देखने में जब इसमें फ्लावरिंग हो तो बहुत आकर्षक लगे, तो आपको इसके लिए सपोर्ट का ध्यान रखना होगा। आपको इसको गेट के पास, वॉल के पास या फिर किसी और दूसरे बड़े पेड़ के साथ इसको लगाना होगा जिस पे ये आराम से क्लाइम कर सके और अच्छे से ग्रो हो सके। और इसका मज़ा भी तभी है जब आपने इसको किसी वॉल पे या किसी ट्री के ऊपर चढ़ा दिया हो और फिर ये जब इसमें रिग्रेस ब्लूमिंग हो रही होती है फिर आपके लैंडस्केप में ये खूबसूरती को जोड़ता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने इसको किसी ट्री पे चढ़ा दिया है तो उसके दो फायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि देखने में ये काफ़ी ऊंचा चला जाता है और जब इसमें ब्लूम होती है तो ये बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात ये है कि उससे क्या होता है कि ये एक डेंस कवर बना देता है और आपकी जो ट्री और बोगनवेलिया का जो ये घना जाल तैयार होता है ये बेसिकली कैट्स को ऊपर प्लांट पे चढ़ करके और चिड़ियों के एग्स को चिड़ियों के बच्चों को खाने से रोकता है। बोगनवेलिया के लिए जो आप सॉयल बनाएंगे उसमें एक पोर्शन सैंड, एक पोर्शन नॉर्मल आपके जो एरिया में सॉयल है वो गार्डन सॉयल, और एक पोर्शन उसमें, थर्ड पोर्शन उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर का डाल करके आप उस सॉयल को तैयार करें। और एक बार प्लांट कर देने के बाद फिर आप उसमें बहुत लंबे समय तक, लगभग पूरे सीज़न, कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड ना करें। और फिर उसके बाद जब आपका प्लांट उस साल अच्छे से ग्रो कर जाए फिर नेक्स्ट सीज़न जब आपका ब्लूमिंग सीज़न स्टार्ट हो उसके पहले उसमें कोई हाई फॉस्फोरस रिच, पोटैश रिच फर्टिलाइज़र डाइल्यूट करके पानी में, और उस पानी को खूब अच्छे से उस प्लांट में डाल दें सो दैट कि नीचे रूट्स तक वो आपका जो फर्टिलाइज़र है वो पहुंच जाए और प्लांट को मिल जाए। इसके अलावा आप ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी, बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड करने वाली मिट्टी या कोकोपीट वगैरह जैसे जो मीडिया हैं जो वाटर को रिटेंशन करते हैं, तरह की मीडिया में बोगनवेलिया को बिल्कुल भी मत लगाएं। बोगनवेलिया की मिट्टी जितनी ज़्यादा पथरीली होगी बोगनवेलिया के फूल उतने ही ज़्यादा अच्छे होंगे। गर्मियों में कई बार ऐसा होता है कि आपका प्लांट, आप देखते हैं हर दूसरे दिन उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं और आपको लगता है कि नहीं इसको पानी की ज़रूरत है और आप उसमें वाटरिंग कर देते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि बोगनवेलिया का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसकी हमें लीव्स की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट लीव्स जितनी कम होंगी उतने ज़्यादा फ्लावर आएंगे और उतने ही ज़्यादा ये प्लांट खूबसूरत लगेगा, क्योंकि जब अगर आप पानी कम देंगे और इसकी लीव्स झड़ जाएंगी या कम ग्रो होंगी तो फ्लावर ज़्यादा तादाद में ग्रो होंगे और लैंडस्केप खूबसूरत बनेगा। क्योंकि बोगनवेलिया के लिए हमको बोगनवेलिया से क्या चाहिए, जब हम किसी प्लांट की केयर करते हैं तो हमको दिमाग में ये ध्यान रखना होता है कि हमें उस प्लांट से हमें क्या चाहिए। तो बोगनवेलिया के प्लांट से हमें ये चाहिए कि प्लांट की जो अगर हम चाह रहे हैं उतनी ग्रोथ हो और उसमें हैवी ब्लूमिंग हो, खूब सारे फूल हो, सो दैट कि हमारा लैंडस्केप कलरफुल हो जाए।
तो ऐसे में हमें लीव्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर इसकी लीव्स मान लीजिए पानी की कमी से या ड्राई होती दिखेंगी और वो फिर झड़ जाएंगी, ये प्लांट इतनी आसानी से नहीं मरता है। और लीव्स झड़ जाने के बाद फिर इसमें फ्लावरिंग होगी, और फ्लावरिंग जितनी कम लीव्स होंगी उतनी अच्छी तादाद में होगी। इसलिए लीव्स के ऊपर फोकस ना करके हमको इस प्लांट के फ्लावर्स पे फोकस करना है, और ये ध्यान रखना है कि फ्लावर्स तभी ज़्यादा तादाद में आएंगे जब इस प्लांट में लीव्स कम तादाद में होंगी। बोगेनविलिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें बहुत ज़्यादा जिसकी नई वैरायटी के डेवलपमेंट पे काम हुआ है, और बोगेनविलिया की बहुत ज़्यादा अनगिनत वैरायटी डेवलप की गई हैं। मैंने अपने गार्डन में बोगेनविलिया की कई वैरायटीज़ लगा रखी हैं, और मैंने इनको क्यारियों पर भी में लगा रखा है, इनको बड़े प्लांटर्स में लगा रखा है, और इनकी कुछ छोटी वैरायटीज़ को छोटे पॉट्स में भी लगा रखा है। बोगेनविलिया की कई ऐसी ग्राफ्टेड वैरायटीज़ हैं जिनमें मल्टी कलर की फ्लावरिंग होती है। जैसे देखिए, ये मेरा एक प्लांट है जिसमें पिंक, येलो और वाइट तीनों कलर के कॉम्बिनेशन में फ्लावरिंग होती है, और देखने में ये बहुत ही, जब अपने पीक पर होता है ये प्लांट, तो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे जो भी मैं अपडेट करूँ वो आप तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।